इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 5 कार एक्सेसरीज के बारे में जो अभी इंडिया के अंदर लीगल नहीं है, यानी अभी इंडिया के अंदर जो बैन है, फिर भी वो मार्केट में सेल होती हैं, आपको बहुत सारी गाड़ियों में लगी हुई मिल जाएंगी। आपने हो सकता है उनमें से कुछ एक्सेसरीज को खरीदा हो, या हो सकता है आप उनमें से कुछ को अभी भी यूज कर रहे हो जिनका आपको पता नहीं हो कि उनका चलान हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इस बारे में हमारे पास काफी टाइम से कई सारे कॉमेंट्स आए हैं कि कौन सी कार एक्सेसरीज जो है वो इलीगल है, तो चलिए उनकी डिटेल आपको जल्दी जल्दी इस वीडियो में देते हैं। इनकी फुल डिटेल वीडियो बनाने की अगर जरूरत पड़ी तो वो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी कि ये क्यों बैन हुई और इनका अब आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर है। तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। और आप इनमें से अगर किसी कार एक्सेसरीज को अभी यूज करते हैं या आपने किया है तो आप ये कमेंट करके हमें जरूर बताना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में पहला जो नाम है वो है लाल बत्ती का, यानी आपने गाड़ियों के ऊपर लाल बत्ती नीली बत्ती लगी हुई देखी होंगी बहुत सारी, तो वो अब इंडिया में इलीगल हैं। आप लाल बत्ती या नीली बत्ती को अभी यूज नहीं कर सकते इस टाइम पे, तो वो कुछ लोगों के लिए ही रिजर्व कर दिया, बाकी सारे लोगों से वो हटा दिया। फिर भी आपको मार्केट में अभी भी लाल बत्ती मिल जाएगी 500 से 2000 रुपए के बीच में, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से इंडिया में बैन है, यानी आपका चलान अगर आप इसको यूज करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो हो सकता है। दूसरी एसेसरीज जिसकी हम बात करने वाले वो है बुल बार्स, यानी सेफ्टी गार्ड्स, बुल गार्ड्स आप इनको कुछ भी कह सकते हैं। आगे पीछे जो स्टील के, प्लास्टिक के, एल्युमिनियम के या लोहे के जो डंडे इसमें लगाए जाते हैं वो अब पूरी तरीके से बैन हो चुके हैं। आगे के तो आप देखेंगे ज्यादातर सारी गाड़ियों में से ये पूरी तरीके से हट चुके हैं, पीछे के जो सेफ्टी बार्स है वो अभी भी काफी आपको गाड़ियों पे लगे हुए मिल जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि जब गाड़ी सामने से आती है तो एकदम से पुलिस वालों की भी नजर उस पर नहीं पड़ती है, तो वो चल जाती हैं और जब तक वो दिखाई देते हैं वो निकल चुकी होती हैं, लेकिन लीगल तौर पे वो भी अब बैन है। तो अगर आप नया लगाने की सोच रहे हैं तो इस बात को दिमाग में ध्यान में रख के ही लगाएं कि इसका चलान आपको भुगतना पड़ सकता है। तो बुल गार्ड्स यानी सेफ्टी गार्ड जो भी कहें वो भी अभी इंडिया के अंदर बैन है। तीसरी आइटम जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं वो है अभी टिंटेड ग्लास, यानी फिल्म जो गाड़ी के ऊपर चढ़ाई जाती है, शीशों के ऊपर, जो साइड ग्लास के ऊपर, फ्रंट ग्लास के ऊपर चढ़ाई जाती है, वो पूरे तरीके से इलीगल है। अभी भी आपको मार्केट के अंदर मिल जाएंगी, बहुत दुकानें भी हैं जो फिल्में लगाती हैं, बहुत कस्टमर हैं जो लगवाते हैं, गर्मी ज्यादा होती है तो उसकी जरूरत भी पड़ती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल इस टाइम पे ये टोटली इलीगल है जो आप नहीं लगा सकते हैं। हाँ, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज और कुछ रूल्स के अनुसार कंपनी से जो टिंटेड ग्लास आते हैं वो लीगल हैं, उनके अंदर भी उन्होंने अपने मापदंड सेट किए हैं कि उसमें कितनी आपको परसेंटेज जो है वो डार्कनेस की रखनी है, यानी आगे पीछे के जो ग्लास हैं उनके अंदर 70% विजिबिलिटी होनी चाहिए और साइड ग्लास के अंदर 50% विजिबिलिटी होनी चाहिए। वो अगर आपको कंपनी से ही टिंटेड ग्लास मिले हैं तो वो लीगल है, तो कोई उसका चलान नहीं काट सकता, लेकिन अगर बाहर से आपने ऐसी कोई टिंटेड ग्लास करवाए हैं या कुछ उसके ऊपर फिल्म वगैरह चढ़वाई है तो वो टोटली इलीगल है। चौथी एसेसरी जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है, आपने देखा होगा गाड़ियों के ऊपर रैपिंग होती है, छत जो सबसे ज्यादा कलर में, जैसे ब्लैक कलर में तो अक्सर छतों को रैप कर दिया जाता है, विनाइल जो टेप आती है वो इनके ऊपर चढ़ा दी जाती है, लेकिन लीगल तौर पे वो भी इंडिया में बैन है। जो कलर गाड़ी की आरसी के ऊपर लिख के आता है उसके अलावा अगर आप किसी दूसरे कलर की रैपिंग करवाते हैं तो वो इलीगल है, उसका भी आपका चलान हो सकता है। बहुत सारी स्टेट्स के अंदर ऐसा है कि चलान इतनी आसानी से नहीं कटते हैं, चलता है, कहने का मतलब है ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं आती है, लेकिन ज्यादातर जगह पे चलान होते हैं और उनका आपका कोई भी चलान काट सकता है, आप उसमें कुछ भी रोका टाकी नहीं कर सकते। और पांचवी और जो लास्ट एसेसरीज इस लिस्ट में है वो है, यानी बहुत सारी और भी हैं एसेसरीज जो अभी इस लिस्ट में हम नहीं जोड़ सकते हैं, आने वाली वीडियो में आपसे इन चीजों को भी शेयर करेंगे। तो अभी बात करते हैं हम पांचवी एसेसरीज के बारे में। तो पांचवी एसेसरीज है कार सनसेट्स, जी हाँ, कार कर्टेन्स। हमने भी इसकी कई सारी वीडियो बनाई है, गर्मी के टाइम पे इनकी सेल भी होती है, ये बिकती भी हैं, ये लोग लगाते भी हैं, लगभग आपको हर गाड़ी में लगी हुई मिल जाएंगी और गाड़ी की जरूरत भी है क्योंकि अगर सेट्स ना हो या ग्लास टिंटेड ना हो तो अंदर आपका जो एसी है वो ठीक से काम नहीं करता है, ज्यादातर गाड़ियों में तो वो ट्रिप भी मारने लग जाता है। तो कार सनसेट जो है लेकिन लीगली वो भी अलाउड नहीं है, हालांकि उसको लोग कुछ इस तरीके से यूज करते हैं कि जब उनको जरूरत ज्यादा होती है तो उसको यूज कर लेते हैं, बाकी टाइम पे उतार देते हैं। जबकि अगर आपने गाड़ी के साइड ग्लास के ऊपर या फ्रंट बैक ग्लास पे कहीं पे भी अगर आपने उसको टिंटेड करवा दिया, यानी उसके ऊपर कोई फिल्म चढ़ा दी है, तो वो परमानेंट होती है जिसका चलान कटना और ज्यादा
आसान हो जाता है, यानी वो उसको आप निकाल नहीं सकते, जबकि कर्टेंस को आप जब चाहे उनको यूज कर सकते हैं, जब चाहे उनको निकाल सकते हैं, लेकिन लीगल तौर पे वो भी अलाउड नहीं है। यानी कार कर्टेंस भी उसी लिस्ट में आते हैं जो एसेसरीज अभी इंडिया में बैन है। इनके बारे में अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए हो तो आप हमसे कमेंट करके ले सकते हैं, और इनकी जो भी नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आपको इसी चैनल पे यानी क्रिस्टल कार्स पे मिलेंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इन एसेसरीज में से आपने कितनी एसेसरीज और कौन कौन सी एसेसरीज यूज करी हैं या आप अभी जिनको कर रहे हैं, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।